आप सभी ने एमएस धोनी के मुंह से एक बहुत ही फेमस लाइन जरूर सुनी होगी कि आज मैं जहां हूं कल कोई और आएगा, कल कोई मुझसे भी अच्छा खेलेगा। और जब भी आप ये लाइन सुनते होंगे तो इसके साथ में एक मीम भी लगती है जिसमें ये कहा जा रहा होता है कि मैं लिख के देता हूं कोई नहीं आएगा। और एक बार वापस से धोनी ने आईपीएल 2023 में इस बात को प्रूव कर दिया कि क्यों उस मीम में कहा गया था कि मैं लिख के देता हूं कोई नहीं आएगा। देखो बहुत लोग कहेंगे कि इस मैच को हमने जडेजा की मदद से जीता है, जो कि सही है। बहुत लोग कहेंगे कि रहाणे ने जिस तरीके से तेजी वाली पारी खेली उसकी वजह से हम जीते। कुछ लोग कहेंगे कि गायकवाड़ और कॉनवे ने जिस तरीके की ओपनिंग दी उसकी वजह से हम जीते। कुछ लोग कहेंगे कि शिवम दुबे ने मैच दर मैच आके जिस तरीके से बीच में रन रेट को खींचा उसकी वजह से हम जीते। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कल के मैच में रायडू ने जिस तरीके से मोहित शर्मा के ओवर में एक छक्का जड़ा, एक चौका जड़ा, फिर एक छक्का जड़ा, उसकी वजह से हम जीते। तो कुछ लोग कहेंगे कि बीच बीच में मतीशा फतिराना ने मैच दर मैच जो वो क्रूशियल ओवर डाले उसकी वजह से हम जीते। ये सारी बातें सच्ची हैं, ये सारी बातें सही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल अंदर जानता है कि ये शायद सब कुछ ना हो रहा होता, या शायद इसमें से कुछ भी ना हो रहा होता अगर इस टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ना होते। कहीं ना कहीं दिल ये जानता है कि जिस तरीके से शिवम दुबे ने आईपीएल 2023 में सीएसके के लिए कंट्रीब्यूट किया, शायद वो उस तरीके से करते ही नहीं अगर इस टीम के कप्तान एमएस धोनी नहीं होते। कहीं ना कहीं दिल ये जानता है कि शायद अजिंक्य रहाणे आईपीएल 2023 में दिखते ही नहीं अगर इस टीम के कप्तान एमएस धोनी नहीं होते। कहीं ना कहीं दिल ये जानता है कि शायद पथिराना वहीं डगआउट में बैठे रह जाते, या फिर वो सीएसके टीम में होते ही नहीं, या फिर वो आईपीएल 2023 में ही नहीं होते अगर इस टीम के कप्तान एमएस धोनी नहीं होते। कहीं ना कहीं दिल ये जानता है कि जो अंबाती रायडू हैं जिन्होंने मोहित शर्मा के उस कठिन ओवर में वो क्रूशियल रन मार सीएसके को आईपीएल 2023 का विजेता बना दिया, शायद यही रायडू उस आईपीएल फाइनल को खेल ही ना रहे होते अगर इस टीम के कप्तान एमएस धोनी नहीं होते। क्योंकि बीच बीच में ना जाने कितने बार चारों तरफ सोशल मीडिया पे यही कहा गया कि अंबाती रायडू के बस की अब नहीं रह गई है, इसे टीम से बाहर करो, ये टीम पे बोझ बन चुका है, इसे टीम से निकालो। लेकिन यही फर्क है एमएस धोनी में और आम लोगों में। आम लोग जो सोच रहे थे वहां एमएस धोनी जाना नहीं चाहते थे, और जो एमएस धोनी सोच रहे थे वहां जाने की औकात किसी आम इंसान की होती नहीं है। इवन अजिंक्य रहाणे के केस में भी जब शुरुआती मैचेस में रहाणे ने कुछ बड़ी पारियां खेली तो चारों तरफ लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो बड़ी पारियां छोटी पारियों में कन्वर्ट हो गई। भले वो पारी एक अच्छे रन रेट के तौर पे आ रही थी, भले वो पारी कहीं ना कहीं टीम की जीत में कंट्रीब्यूट कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कहने लगे कि रहाणे ने तो सीएसके को बस धोखा दिया है। लेकिन रहाणे ने आईपीएल 2023 के फाइनल में ये बता दिया कि क्यों एमएस धोनी ने उन पे वो भरोसा टिकाए रखा, क्यों एमएस धोनी ने लास्ट मोमेंट तक उनको मौका दिया, क्यों एमएस धोनी ने ये बिलीव बनाए रखा कि रहाणे जो है वो बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच में जरूर कंट्रीब्यूट करेगा। और सच में इस फाइनल में 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से जिस तरीके से रहाणे सीएसके की तरफ मोमेंटम खींच के लाए वो एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था जिसकी वजह से सीएसके आईपीएल 2023 का विजेता बन पाया। क्या अब भी कुछ लोग ये कहेंगे कि जो भी टीम जीतती है वो कप्तानी की वजह से नहीं जीतती? क्या अब भी कुछ लोग ये कहेंगे कि धोनी को तो टीम ही अच्छी मिलती है, यार क्या अच्छा था इस टीम में? पथिराना जिसने इंटरनेशनल लेवल पे मात्र एक मैच खेला है, थीक्षाना जो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, देश पांडे जिसके लिए लोग कह रहे थे इसको निकालो ये काहे का प्लेयर है, या फिर कौन है ऐसा दीपक चहर जिनका ये साल आईपीएल इतिहास का वन ऑफ द वर्स्ट साल गया है, वन ऑफ द वर्स्ट ईयर गया है। दीपक चहर और साल के कंपैरिजन में इस साल उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं। और उसके अलावा कौन है? डिवॉन कॉनवे जिनको मात्र 1 करोड़ में खरीदा है, ऋतुराज गायकवाड़ जिनका बस एक डिसेंट फॉर्म चल रहा था, कौन है? एक बेन स्टोक्स को लेके लोग कह रहे थे कि इसके आने से सीएसके स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उस बेन स्टोक्स को सीएसके ने तो खिलाया तक नहीं। वो बेन स्टोक्स तो कब का सीएसके को छोड़ के इंग्लैंड भी लौट गया। उस 16.5 करोड़ के बेन स्टोक्स को खिलाए बिना सीएसके ने इस टाइटल को जीता है। उसके अलावा ये रहाणे हो गए, रायडू हो गए, ये कौन थे? क्या कोई और टीम इनको खिलाती? क्या रहाणे को कोई और टीम खरीदती भी? क्योंकि जब सीएसके ने रहाणे को खरीदा था कोई टकराने के लिए आया तक नहीं था, किसी ने बिड ऊपर तक नहीं करी थी। रहाणे को 50 लाख के बेस प्राइस को उठाया गया था, लोगों ने तो ये तक कह दिया था रहाणे अब खत्म हो चुका है। लेकिन जैसा कि सच हम सबके सामने है कि रहाणे ने सीएसके
सीएसके के लिए तो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया ही दिया, बल्कि साथ ही साथ वो कुछ ही दिनों में डब्ल्यूटीसी के फाइनल में आपको इंडिया के लिए भी खेलते हुए दिखेंगे। और उसके अलावा रायडू की जहां मैं बात कर रहा हूं, रायडू असल में एक साल तक किसी भी फॉर्म के क्रिकेट में अवेलेबल तक नहीं थे, सीधे सीएसके के लिए खेलने आते हैं। क्या किसी और टीम में रायडू को खिलाया तक जाता? नहीं खिलाया जाता। लेकिन यही तो फर्क है, जैसा मैंने कहा, एमएस धोनी में और बाकियों में। और अगर आपने कल का मैच खत्म होने के बाद भी इन सभी लोगों की स्पीचेस सुनी होंगी, चाहे रायडू की हो गई, चाहे दीपक चहर की हो गई, चाहे जडेजा की हो गई, चाहे शिवम दुबे की हो गई, चाहे गायकवाड़ की हो गई, चाहे कॉनवे की हो गई, चाहे देश पांडे की हो गई, चाहे थीक्षाना की हो गई, चाहे पथिराना की हो गई, चाहे मोइन अली की हो गई, इन सभी की बातों में एक चीज थी जो बहुत ही कॉमन थी, कुछ शब्द थे जो एकदम सेम थे कि हम जो परफॉर्मेंस इस आईपीएल में दे पाए हैं, हम जिस तरीके से अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है नन अदर देन कैप्टन एमएस धोनी। क्योंकि जिस तरीके से एमएस धोनी ने हमें बैक किया, जिस तरीके से हमारे बुरे वक्त पे हम पे भरोसा बनाए रखा, शायद यही रीजन है कि आज हम यहां पे इस तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं, शायद यही रीजन है कि हम सीएसके की जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पा रहे हैं। और रहाणे ने तो ना जाने कितनी बार, कितने मौकों पे, कितने दफा ये कह दिया कि शायद जिस तरीके से मैं खेल पा रहा हूं, जिस तरीके की परफॉर्मेंस मैं अपनी टीम के लिए दे पा रहा हूं, ये सब कुछ हो ही ना रहा होता अगर मेरा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ना होता। उसने तो पब्लिक पोर्टल पे जाके क्लियरली इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि मुझे बाकी टीमों में इस तरीके से मौका ही नहीं दिया गया, इससे पहले मुझ पे इस तरीके का भरोसा ही नहीं दिखाया गया जिस तरीके से माही भाई ने दिखाया है। और अगर आप पे भरोसा ही नहीं किया जाएगा तो आप किसी भी टीम को या किसी भी कप्तान को ये कैसे बता पाओगे कि आपके पास कितने शॉट्स हैं, आपका कैलिबर क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी काबिलियत क्या है? मुझ पे धोनी ने भरोसा किया, इसीलिए मैं अपनी काबिलियत को दुनिया तक पहुंचा पा रहा हूं। इन सभी प्लेयरों के ये जो जवाब है ना, ये अपने आप में ही इस बात की एकदम साक्षात गवाही देते हैं, और खासकर उन लोगों को चुनौती देते हैं जो अक्सर धोनी पे ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि कैप्टेंसी से कुछ नहीं होता, धोनी को तो टीम ही अच्छी मिली थी। अरे धोनी के पास तो बड़े बड़े प्लेयर थे 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप में, इसलिए जीता पाया। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में धोनी भले ही इनएक्सपीरियंस थे, लेकिन उनके पास जो प्लेयर थे वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे। और वहीं पे 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में उनके पास तो कितने शानदार प्लेयर पहले से मौजूद थे, उनकी वजह से ही तो धोनी जीत पाए, वरना धोनी की कैप्टेंसी में कोई काबिलियत नहीं थी। लेकिन बार बार जब भी ये लोग ऐसा कहते हैं तो यही सवाल उठता है कि ऐसा धोनी के ही केस में क्यों होता है कि उसको इतनी अच्छी टीम मिल जाती है? आखिर धोनी ने ऐसे कौन से पुण्य करे हैं कि हर बड़ी टूर्नामेंट में वो किसी भी टीम के साथ उस टूर्नामेंट को जीत जाता है? ऐसा धोनी ने क्या कमाल किया है? ऐसे पिछले जन्म में कौन से कर्म किए हैं कि ऊपर वाला बार बार धोनी को अच्छी टीम दे देता है जिससे धोनी जीत जाते हैं बिना कप्तानी की काबिलियत के? मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2023 शुरू होने से पहले जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जब उनसे ये सवाल करा गया था कि आपके हिसाब से कौन सी टीम है जो आईपीएल 2023 की विजेता बनेगी, तो जिस रैंकिंग पे सीएसके की टीम मौजूद थी वो थी 7th। और ये जो 7th रैंक भी मिली थी ना, ये सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि सीएसके के पास एमएस धोनी है। लेकिन धोनी ने फिर से उन सभी को गलत प्रूफ किया, धोनी ने फिर से उन सभी को ये बता दिया कि तुमको लग रहा होगा कि सीएसके नहीं जीतेगी, तुमको लग रहा होगा कि सीएसके की जो टीम है वो आईपीएल 2023 डिजर्व नहीं करती, लेकिन तुम जानते नहीं कि कप्तानी से क्या कुछ हो सकता है, तुम जानते नहीं कि कप्तानी से कैसे कैसे प्लेयरों से आप कैसी कैसी परफॉर्मेंस निकलवा सकते हो। और ये बात असल में एमएस धोनी ने नहीं कही है, उन प्लेयरों ने बार बार कही है जिन्होंने धोनी के लिए वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है। और देखो, धोनी ने सिर्फ आईपीएल 2023 में नहीं बल्कि कई बार और कई मौकों पे बार बार ये बताया है कि मुझे प्लेयर बनाना आता है। और अच्छी कैप्टेंसी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, सिर्फ ये नहीं कि वो मैच जिता दे, सिर्फ ये नहीं कि वो टूर्नामेंट जिता दे, बल्कि ये कि भले ही आप टूर्नामेंट हार जाओ, भले ही कुछ गलत हो जाए, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के उस टूर्नामेंट को देखो तो आपके पास ऐसी चीजें हो जिनसे आप सीख सको, आप देख सको कि भले ही हम टूर्नामेंट हार गए, भले ही हम मैच हार गए, लेकिन कुछ प्लेयर हैं जो आने वाले वक्त के लिए तैयार हुए हैं। बाकी अंत में मैं उन लोगों से एक बात साझा करना चाहूंगा, जो लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि जो टीम होती है वो अच्छी कैप्टेंसी से नहीं, अच्छी टीम से जीतती है। धोनी ने आज तक जितना कुछ भी पाया है या
या जितना कुछ भी जीता है उसके पीछे उनकी अच्छी टीम थी, उनकी कप्तानी नहीं। तो ऐसे लोगों से मैं बस एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग अच्छी टीम क्यों नहीं ला रहे हैं, किसने रोका है आपको? जब इतना ही आसान है कि अच्छी टीम को लाना है और टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप या फिर आईपीएल जीत जाना है, तो प्लीज अच्छी टीम लेके आइए और जीतिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। और अगर आप अच्छी टीम नहीं ला पा रहे हैं तो सोचिए कि क्या कमी है, सोचिए क्या सच में सिर्फ अच्छी टीम का हाथ होता है टूर्नामेंट जीतने में, या फिर कहीं ना कहीं कप्तानी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जब आप इस बात पे ख्याल करेंगे, जब आप इस बारे में सोचेंगे, तो अंदर ही अंदर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, और वो जवाब ये होगा कि एमएस धोनी में कुछ तो बात है, एमएस धोनी के अंदर कुछ तो चीज है जिसकी वजह से बार बार वो इन बड़ी टूर्नामेंट्स पे राज करते हैं। खैर, अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि एमएस धोनी की कैप्टेंसी में तो कोई बात नहीं है, वो तो उनको टीम ही अच्छी मिलती है इसीलिए हर बार 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 लगातार वो जीतते रहते हैं, या फिर आप लोग भी ऐसे लोगों को कुछ जवाब देना चाहते हैं? जो भी जवाब देना चाहते हैं एक बार कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।